कृतिका रूही तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल वैदेही फूड फिएस्टा में। लेट्स सेलिब्रेट। आज की हमारी रेसिपी है पिज्जा सॉस की। जी हाँ, ये पिज्जा सॉस हम घर पर ही बनाएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि हम पिज्जा सॉस मार्केट से परचेज करके लाते हैं, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसे आसानी से घर पर ही बना सकते हैं तो क्यों ना हम इसे हमेशा घर पर ही बनाएं। मार्केट में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है इसे बनाने के लिए। तो चलिए आज हम आपको होममेड पिज्जा सॉस बनाना सिखाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 6 टमाटर, जिन्हें मैंने अच्छे से धोया और धोने के बाद में हर एक टमाटर को आधा काट लिया, यानी कि एक टमाटर के दो हिस्से कर लिए। इस तरीके से 6 टमाटर के टोटल 12 हिस्से हो गए। एक चौथाई कटोरी तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच ऑरिगेनो, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, हमने इसे यहाँ पर कलर के लिए यूज़ किया है, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 2 चम्मच टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक सॉस पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैंने टमाटर डाल दिए हैं इसमें और पानी इतना डाला है जिसमें टमाटर अच्छे से डूब जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा है और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। मैंने इसे कवर कर दिया है, अब 5 मिनट के लिए हमें इन्हें उबालना है। 5 मिनट बाद जब ये उबल जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। टमाटर जब तक उबलते हैं तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गैस पर रखा है, फ्लेम लो पर है। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। इसे चला देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इसे भी चला देते हैं। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है इसे करीबन 2 मिनट तक भूनना है। इसका कच्चापन चला जाए उतना हमें भूनना है इसे। अगर आपके पास में अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ना हो तो इसकी जगह पर आप 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, उसे ग्रेट करके भी आप इसमें डाल सकते हैं या बारीक काट कर भी आप इसे डाल सकते हैं। लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास में नहीं हो तो आप 8 से 10 कलियां लहसुन की ले लीजिए, उन्हें छीलकर काट कर डाल दीजिए। तो हम इसे 2 मिनट तक कच्चापन चला जाने तक भून लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से भून गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। अच्छे से चला लेते हैं इन्हें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो जो नमक मैंने कटोरी में लिया था उसी में से थोड़ा सा नमक इसमें डाल दूंगी। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज जल्दी भून जाएंगे। तो थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है इसमें, इसे मिक्स कर लेते हैं।
प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तो भूनने देते हैं इसे। टमाटर भी अच्छे से उबल गए होंगे, 5 मिनट हो गए हैं इन्हें, तो गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। गैस मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं इसे हटाकर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए टमाटर उबल गए हैं। अब मैं इन्हें पानी में से बाहर निकाल लेती हूँ। पानी का इसमें हमें यूज नहीं करना, बस उबले हुए टमाटर हमें चाहिए, तो हम सिर्फ उबले हुए टमाटर इसमें से निकाल लेंगे। पानी को आप चाहें तो सब्जी में यूज कर सकते हैं, या फिर ठंडा हो जाने के बाद में आप इन्हें प्लांट्स में यानी कि पौधों में भी डाल सकते हैं। आटा भी आप इसे गूंथ सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कीजिएगा, बस पानी को वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए प्याज अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें जितनी भी सारी चीज़ें बची हैं वो सारी इसमें डाल देंगे। टमाटर के अलावा, टमाटर हम बाद में डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें अभी डाल देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें सूखी लाल मिर्चें डाल सकते हैं, 3 से 4 आप सूखी लाल मिर्च इसमें डाल दें, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करती हूँ इसलिए मैंने उन्हें नहीं डाला है। नमक और चीनी भी इसमें डाल देंगे, तो सारा नमक जो मैंने निकाल के रखा था कटोरी में वो और चीनी सब मैंने डाल दिया इसमें। और अब बारी है ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स की, ये भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को एक बार इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें इसमें डालते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है अभी। और ये देखिए मुझे याद आया कि हम इसमें टोमेटो केचप डालना तो भूल ही गए थे, तो डालती हूँ मैं टोमेटो केचप। पता है यही होता है, इसकी खुशबू ना सब कुछ भुला देती है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये टोमेटो केचप भी डाल दी इसमें, इसे भी इसमें मिला लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसे चलाते हुए, मसाला प्याज के साथ में बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत ही ज़्यादा उम्दा खुशबू इसमें से आ रही है। तो अब आ रही है इसमें टमाटर डालने की, तो डालते हैं टमाटर। जो टमाटर हमने उबाल कर रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और बहुत अच्छे से पकाना है। इसे पकाने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो 15 मिनट तक इन्हें अच्छे से पकाना पड़ेगा। चलाते हैं इसे, इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में आप इसे चलाते रहें जिससे ये जले ना। आपको इन्हें काटना नहीं है, बस आपको इन्हें ऐसे ही डालना है। कुछ लोग टमाटर को उबालने से पहले उसके बीज निकाल देते हैं और उबालने के बाद इसकी स्किन भी उतार देते हैं, तो टमाटर में से जब हम आधा टमाटर ऐसे ही निकाल लेंगे तो कहाँ उसका असली टेस्ट आ पाएगा। आप इसे ऐसे ही बनाइए, ऐसे ही टमाटर को डालिए, बहुत ही अच्छी सॉस बनकर तैयार होगी। कुछ भी आपको इसमें नहीं हटाना है, ना बीज हटाने हैं ना इनकी स्किन को हमें उतारना है। तो मैं इन्हें अभी ऐसे छोड़ देती हूँ, एक बार मैंने इन्हें मिक्स कर दिया है, बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। 15 मिनट तक आप इसे इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहें। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को आप मीडियम पर कर सकते हैं,
मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाने में 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको उसमें कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो वो जल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप लहसुन या प्याज या फिर दोनों ही नहीं खाते हैं तो भी आप ये सॉस बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप। तो हम इसके लिए दो कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशन ये कि अगर आप प्याज खाते हैं लेकिन लहसुन नहीं खाते हैं, तो जब आप प्याज खा लेते हैं लेकिन लहसुन नहीं खाते, तब आपको क्या करना है कि जब आप प्याज को भूनेंगे तो आपको उसे 12 से 15 मिनट तक के लिए पकाना है। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो। तो जैसे कि हमने 3 से 4 मिनट तक के लिए प्याज को भुना था, आपको 12 से 15 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से भूनना है। सारा फ्लेवर उसी से आएगा। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसलिए भुना था क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, तो उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन अगर आप गार्लिक पेस्ट को अवॉइड करते हैं, यानी कि लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं, वो नहीं डालते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्याज को बहुत ही अच्छे से भूनें। 12 से 15 मिनट तक के लिए जब आप प्याज को भूनेंगे तो वो एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाए। बस उसी स्टेज पर आपको रुक जाना है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस सेम है। उसके बाद में सारे मसाले वगैरह डालेंगे और फिर बाद में टमाटर डालना है, वो सब कुछ सेम है, बस आपको प्याज को भूनने का ध्यान देना है। तो ये थी पहली कंडीशन, जब आप लहसुन नहीं खाते लेकिन प्याज खाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लहसुन और प्याज दोनों ही नहीं खाते हैं, तो जब आप दोनों ही चीज़ें नहीं खाएंगे, लहसुन और प्याज, उसकी जगह पर आपको क्या करना है, जब आप जिंजर पेस्ट डालेंगे, यानी कि अदरक का पेस्ट डालेंगे या फिर अदरक डालेंगे, तो उसके तुरंत बाद में आपको डालने हैं 15 से 20 करी पत्ते। जी हाँ, आपको यूज़ करने हैं करी पत्ते। अगर फ्रेश अवेलेबल हो तो आप फ्रेश ही डालें, और अगर फ्रेश ना हो तो आप सूखे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश डालेंगे तो उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये करी पत्ता डालिए, और उसके बाद में आपको डालना है 2 चम्मच पुदीने के पत्ते। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप पुदीने के पत्ते ज़रूर डालिए, वो भी फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप सूखे भी यूज़ कर सकते हैं। तो करी पत्ते और पुदीने के पत्ते आप डालें, टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कलर आपको रेड नहीं मिलेगा, कलर थोड़ा सा ग्रीन और रेड थोड़ा मिक्स होके आएगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बल्कि बहुत ही बेहतर टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप विदाउट अनियन गार्लिक या फिर विदाउट गार्लिक भी आप इसे बना सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच बटर भी ऐड कर सकते हैं, और ये बटर आपको टमाटर डालने के बाद ही ऐड करना है। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद में आप बटर को डालिए, यानी कि बस जब हम गैस को ऑफ करने वाले होंगे, ये जो तड़का हमने लगाया है ये जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके बाद ऊपर से आप इसमें बटर डालिए और फिर आप उसे मिक्स कर लीजिए। उससे इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहेगा और टेस्ट तो बिल्कुल इंक्रीज होगा ही होगा। मैंने अभी इसे नहीं डाला है बटर को, लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल हो और आप इसे डालना चाहें तो ज़रूर आप इसे डालें। ये देखिए, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। 15 मिनट तक मैंने बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लिया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें ठंडा होने देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी इसे पीसने के बाद। अच्छे से बन जाएगी, आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं सीधा नमक यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक यहाँ पर यूज़ किया था। तो अगर आप रेगुलर नमक यानी कि सादा नमक यूज़ करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम डालिएगा।
अगर आप बच्चों के लिए इसे बनाने जा रहे हैं तो फिर आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें केचप की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं जिससे उन्हें तीखा ना लगे। वैसे तो हमने इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया, कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया था जो कि कलर के लिए डाला था, लेकिन फिर भी अदरक और लहसुन की वजह से इसमें तीखापन आ जाता है और हम चिली फ्लेक्स भी डालते हैं तो थोड़ा तीखापन इसमें हो ही जाता है। तो अगर बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं तो चीनी और केचप आप बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। तो इस पिज्ज़ा सॉस को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए, ये 1 से 2 महीने तक ईजिली यूज़ की जा सकती है, ये ख़राब नहीं होगी। तो अब जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इसी पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ कीजिए, अब आपको मार्केट से पिज़्ज़ा सॉस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हमने इतनी सुंदर लाल लाल पिज़्ज़ा सॉस बनाकर तैयार की है, वैसे ही इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई देगा, तो आप उस बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, उसके साथ ही घंटी भी दबा दीजिए। तो चलिए, अब हमने पिज़्ज़ा सॉस तो बना लिया है, अब पिज़्ज़ा तो बनाना ज़रूरी है, तो मैं जाती हूँ एक बढ़िया सा लजीज पिज़्ज़ा बनाने। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और पिज़्ज़ा सॉस बनाइए। मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।